वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम हो गया है 10 और हम नहा लिए हैं, ऑफिस के लिए रेडी होना है। सुबह गए थे नीचे वॉक वॉक करने के लिए, तो टानी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ा गला दर्द कर रहा है, तो वो कर रही है पानी के करारे। तो ये जो नीचे साथ में आप दिखा रहा था कि जो कंक्रीट हो रहा था, तो आधा कंक्रीट उन्होंने कर दिया, आधा बच गया है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये सिर्फ आधा ही हुआ है, आधा शायद आज रात को होगा। ये पानी पूरी डाल दिया। ये जो मिक्सचर वाला होता है ना, जो कंक्रीट, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ये 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा सूख जाता है। फिर चाहे उसके बाद इसके ऊपर बारिश ही क्यों ना हो जाए, इसको डालने के बाद इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर एक सिक्का नाम का केमिकल पड़ा होता है। सिक्का तो शायद कंपनी होती है, केमिकल को कुछ और बोलते हैं। तो जो उससे ये सारा जम जाता है एक बार, तो जो मिक्सचर आता है उसके बाहर निकलने के बाद ये पूरा जम जाता है। ये पूरा हो गया है, अभी ये एकदम हो गया रेडी। पहले तो बीबी के पास जाएंगे, उनको लेंगे कपड़े, फिर निकलेंगे ऑफिस, फिर जाएंगे अपने दूसरे हेड ऑफिस। गाइस, हमने भैया को कपड़े दे दिए हैं, शाम को इनसे कपड़े ले लेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे शाम को मंदिर। उससे पहले पहले भैया मेरे कपड़े दे देना, ठीक है? ठीक है, बाय बाय भैया। पहुँच गए अपने ऑफिस, नीचे मिल गए रॉबिन भाई, ऑफिस आ गए हम। पहले भगवान जी को, ओए इतना धुआं भाई, प्रभु जी मालिक, इतना धुआं क्यों डाल रखा अंदर। और फाइनली हमें मिल गया कलीम भाई, कह रहा भाई ठीक है, बढ़िया। इतना धुआं सा क्यों है? अरे अगर वो अगरबत्ती लगानी ना, धूप लगा दिया तुमने, अगरबत्ती नहीं लगाई, धूप लगा दिया तभी है ये, थोड़ा खोलना पड़ेगा नहीं तो अंदर आके नहीं खुलने देगा। थोड़ी देर के लिए हमारे लखविंदर भाई आपको एंटरटेन करेंगे। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे आप? तो मॉर्निंग चाय, मॉर्निंग की चाय पीते हैं। वो पहले मैं जैसे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो कैसे हैं आप लोग? वो देखिए कितना हंसदा, वो बड़ा हंसदा, ये बड़ा हंसदा ही देखी। मामा देखे है, मामा देखे है। तो कैसे हैं आप लोग? ये कैसा है? उतनी बार का लग गया है। तो गाइस ये देखिए कैसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ओह क्या डांस कर रहा भाई, क्या बात है, क्या बात है। वो पीछे उनका अलग ही चल रहा है, वो बताओ गाड़ी के पास। तो गाइस अभी अभी एक सैड न्यूज़ आई है कि रॉबिन के परदादा जी की डेथ हो गई है, जो थे लगभग भाई कितने साल के, 107 साल के भाई हैं। अभी भाई, मैंने भाई को बोला कि अब घर जाओ, कह रहा कि नहीं अभी नहीं जाऊंगा, अभी जाऊंगा मैं जब लास्ट प्रोग्राम होगा उनका, वो का तब जाऊंगा। कर ली थी 107 साल के, बहुत दुख है अभी इस चीज़। तो कर ले कितने की आएगी? गाइस हमारे साथ आए आज राहुल भाई, ये तो समझने का है कोई। तो राहुल भाई के साथ जा रहे हैं आज एक प्लॉट की साइड देखने के लिए कुराली रोड पे, तो चलते हैं देखते हैं कुराली रोड पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है भाव आजकल प्रॉपर्टी का। मिलते हैं आपको आगे साइड पे।
फाइनली गाइस नितिन भाई मिल गए हैं। नितिन भाई ने हमें अपना प्लॉट दिखा दिया है, कहाँ है नितिन भाई बता देना कहाँ पे। बस यही है यार साथ वाला। ये देखो भाई मिल गया है, मिल गया मिल गया मिल गया। एक ग्रेट सक्सेस ले लिया नितिन भाई ने, एक बहुत वधिया होया राहुल भाई ने नितिन भाई ले लिया नाल, नहीं तो असीं लभदे रहना सीगा इत्थे किथे प्लॉट है किथे प्लॉट। हाँ भाई यही है, आ गए अपने ऑफिस में, विजिट हो गया डन। राहुल भाई भी चले गए हैं, नितिन भाई भी चले गए हैं, मैं और रविंदर जी आ गए अपने ऑफिस में। ऑफिस का माहौल चाल देखते हैं, बड़ा टाइम हो गया, 4 बज गया आज ऑफिस में। ऑफिस में है ही नहीं कोई बंदा, बताओ बस। एक हमारा मित्र, प्रिय मित्र, वो खड़ा हो गया। रविंदर जी और दीपजी तो है ही नहीं यहाँ पे भाई, कहाँ पे है ही नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं भाई, कोई नहीं ऑफिस में, तो ऑफिस में कोई नहीं है। हम बैठते हैं थोड़ी देर, देखते हैं अपना काम धंधा क्या चल रहा है, कैसे चलो। तो फाइनली गाइस जिन बंदों का आप वेट कर रहे थे वो बंदे अभी हमारे ऑफिस में पहुंच गए थे, थोड़ी देर हमारे ऑफिस में नहीं थे। हमारे सुखजिंदर जी, संत सुखजिंदर संत श्री सुखजिंदर सिंह जी, कनेडा रिटर्न मिस्टर गुरदीप सिंह जी, ये सारे पहुंच गए ने। थोड़ी देर पहले माहौल की शांति सी ऑफिस में, हूँ माहौल थोड़ा जरा जागन लग पाया। हाँ जी फिर तुम कौन हो, सुखजिंदर जी ने, फिर तुम कौन हो, संत श्री सुखजीत सिंह जी, इन्होंने असि संत की उपाधि दे के अपना इन्होंने कनेडा भेजेंगे, कनेडा जाएंगे, पता नहीं कदों जाएंगे, ये तो हले हम समा ही दसेगा, पर फिर भी असं अरदासा करते हैं रब के अगे कि इन्होंने छेती छेती कनेडा भेजा जाए इन्हों की वाइफ को। चलो अच्छ तो यही कह सकते हैं, ये बड़े दिन तो जिद कर रहे हैं सरहंद साहब जान दी, हुण पता नहीं कदों बनदा मौका, कदों बनेगा मौका भरा, मेरे वल्लों कल जा हुणे चल, नहीं शाम नूं नहीं, कोई दिन दा बनाओ प्रोग्राम तां ही जावां, बस सवेर दा बना लो, चलो कोशिश करदे आं कल सवेर नूं आपां सारे सरहंद साहब जान दी कोशिश करांगे, चलो देखदे आं ट्राई करदे आं ऑफिस तों छुट्टी लैके कि मिलदी कि नहीं मिलदी। फाइनली गाइस ऑफिस अभी है ऑन, हम लोगों ने ले ली है वहां से छुट्टी, हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि मुझे जाना है मंदिर, सबको जाना है गुरुद्वारा साहब, तो निकले हैं अभी, तानिया को लेना है घर से, फिर जाएंगे मंदिर, मंदिर से जाएंगे फिर घर। गाइस मंदिर में भगवान जी के दर्शन हो गए हैं, मंदिर से अब हम निकल रहे हैं घर और हम कर रहे हैं बात सत्तू से। सत्तू फोन ही काट दिया उसने जब उठाने की बारी आई, तो नाम लेता है सबके, लगाना फिर से एक बार कॉल, क्या बोलता है, काकू बोल रहा है मेरे को, सत्तू कौन है रे, सत्य में कौन है, कौन हूँ मैं रे, अब नहीं बताएगा गाइस, कभी होगा तो इसको आप मिलवा के लेके आएंगे आप सबको, अच्छा बच्चा है। हाँ जी हाँ जी, तो गाइस आज भी कंक्रीट चल रहा है, आई थिंक कि आज पूरा हो ही जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारा डन हो गया, साइड से साइड सारा डन हो गया, ये नीचे लगा हुआ है पंप, फाइनली बहुत दिनों से रोज़ रात को छोर आता है, कल रात को भी उन्होंने काफ़ी लेट तक कंप्लीट किया, आज मेरे ख्याल से हाँ आज पूरा कंप्लीट हो गया इनका कंप्लीट, सुबह दिखाऊंगा आपको पूरा कंप्लीट हो गया है, फाइनली आज हम आराम से सो पाएंगे। हम लोग आ गए हैं घर पे, मंदिर गए थे, मंदिर भगवान जी के दर्शन हो गए थे, माता मनसा देवी के मंदिर गए थे, हमारे घर के पास ही मंदिर है माता जी का, तो उसके बाद सत्यम से थोड़ी सी बात हुई है, उसके बाद फिर नीचे रॉबिन मिल गया था, रॉबिन के साथ भी थोड़ी सी बात हुई, तो अभी जा रहा हूँ थोड़ा नीचे रॉबिन के पास, और आपको ब्लॉग हमारे कैसे लग रहे हैं ये भी मेरे को बताना प्लीज़ कमेंट करके, और मैं क्या आगे करूँ उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट करके बताना, किस चीज़ के रिलेटेड मैं आपको ब्लॉग बनाऊं उस चीज़ के लिए भी मेरे को आप कमेंट करके बताना, जैसे कि कोई सिविल इंजीनियर के रिलेटेड या फिर हमारे यहाँ पे मोहाली के कोई भी अच्छी चीज़ को लेके, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो उसके रिलेटेड आप बताओ मेरे को कि हाँ कमेंट करके कि उस चीज़ के रिलेटेड आप एक ब्लॉग बनाओ, तो मैं उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाऊँगा। और लास्ट वही चीज़ है कि
अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तब भी आप कमेंट करना, अच्छा नहीं लग रहा है तब भी आप कमेंट करना, कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। जितना आप मेरे को मैसेज करोगे उतना ही मेरे को सपोर्ट मिलेगी और मुझे पता चलेगा कि मेरी कौन कौन सी चीज़ें गलत है, तो मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो करते हैं ब्लॉग का यही अंत, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, गुड नाइट, बाय बाय।